हेलो डी स्टूडेंट, तो आज हम लोग एल्कोहल फिनॉल ईथर का जो हम लोगों ने एल्कोहल फिनॉल तो कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम लोग को अपना ईथर के बारे में हम लोग को स्टार्ट करना है। ईथर का क्लासिफिकेशन आईयूपीएसी ने हमें पढ़ ली थी, लेकिन निभा ने बोला था कि सर ये आईयूपीएसी के कुछ एग्जाम्पल और करा दीजिए, तो आज हम लोग सबसे पहले आईयूपीएसी के एग्जाम्पल और कर लेते हैं ईथर के। ओके, वो भी इस प्रकार के एरोमेटिक आईयूपीएसी नेमिंग के हमें कुछ एग्जाम्पल्स सीखने हैं। चलो देखते हैं कैसे होते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो पहले करना है ना, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके चलो एग्जाम्पल। तो पहले बात करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग ईथर की। हम लोगों ने आईयूपीएसी नेमिंग ईथर की बात करी थी, तो मैंने क्या कहा था, हम लोग को आईयूपीएसी क्या याद रखना है, एल्कोक्सी एल्केन, बस इस बात को याद रखना है। क्या रखना है? रखना है एल्कोक्सी एल्किन। अब एल्कोक्सी के लिए भी बताया था मैंने कि जिसमें ऑक्सीजन, जिस वाली चेन में कार्बन की संख्या कम हो उस वाली चेन के साथ में क्या कर लेना, ऑक्सी को जोड़ लेना। तो कम कार्बन वाला है, क्या हमारा कम कार्बन वाला है, यानी कि लेस कार्बन एटम इसमें होता है। और एल्किन उसका लिखते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होते हैं, ज्यादा होता है, मोर कार्बन वाला, यानी कि ज्यादा कार्बन वाला। ठीक है, होगा तुम्हारा ज्यादा कार्बन वाला, ये होगा तुम्हारा। ठीक है, इतना बस याद रखना है आईयूपीएसी नेमिंग के लिए। चलो एग्जांपल देखते हैं। हम लोग बात करते हैं एरोमेटिक ईथर की, आईयूपीएसी नेमिंग सीख रहे हम लोग। ठीक है, एलिफेटिक में तो कोई दिक्कत नहीं आई हुई किसी को। ठीक है, जैसे मान लो ये लिखा है। अब एक्चुअली अगर बात करते हैं, देखो ये दो भागों में बट गया हमारा आर। एक आर क्या है, सी एच थ्री, और एक क्या हमारा ये बेंजीन है। लेकिन देखो सी एच थ्री की बात करते हो तो केवल एक कार्बन है, और इस बेंजीन की बात करते हो तो कितने, एक दो तीन चार पाँच छः कार्बन होते हैं। तो क्या कहा था, ऑक्सी किसके साथ लगाते, कम कार्बन, तो ऑक्सीजन को हम लोग कम कार्बन वाले के साथ जोड़ देंगे। तो एक कार्बन, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं ना, तो क्या हो जाएगा हमारा मैथ, क्या लगा है ऑक्सी, तो मैथ ऑक्सी। और फिर ये वाला बड़ा वाला कार्बन, बड़ा वाले कार्बन को क्या लिखते हैं, एल्कीन, तो इसका नाम क्या है, बेंजीन है ना, तो इसका नाम लिख देंगे बेंजीन। और एग्जांपल देखते हैं जरा। चलो इसकी बात करते हैं। देखो काम क्या करना है, इसका नाम तो सबसे पहले लिखना है एल्कोक्सी। तो इधर देखो छह कार्बन, इधर क्या है दो कार्बन, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसका नाम क्या लिखेंगे, दो कार्बन। दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, एथ और ऑक्सी। इसका नाम निपट गया, बचा क्या, ये वाला सीन बचा, ये इसका नाम क्या है, देखो बेंजीन तो है लेकिन नंबरिंग यहाँ से हो रही होगी, तो 1 2 3 4 5 6 बेंजीन तो है लेकिन दूसरे नंबर पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जो चाहे तो हम इसको बन ऑक्सी भी लिख सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर क्लोरीन जुड़ा है, तो क्या लिखना पड़ेगा, 2 क्लोरो, और फिर इसका नाम क्या है, बेंजीन, तो 2 क्लोरो बेंजीन। इसका नाम क्या हो, वन एथॉक्सी 2 क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। तो एक्चुअली हो क्या रहा हमारा, ओके एक्चुअली हो क्या रहा हमारा, पहले नाम लिख रहे ऑक्सीजन वाले, जिसके साथ ऑक्सीजन जोड़ रहे, और ऑक्सीजन किसको जोड़, किसके साथ में जोड़ रहे, जिसके पास कार्बन की संख्या क्या होती है, कम होती है, उसके साथ में क्या जोड़ रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, फिर जो ज़्यादा कार्बन वाली संख्या बचती है ना, उसके साथ में क्या जोड़ रहे हैं हम लोग, उसके साथ में एल्केन जोड़ेंगे। तो इस बेंजीन है तो बेंजीन लिख देंगे डायरेक्टली बेंजीन, लेकिन दूसरे नंबर पर साइड चेन लगी तो क्या लगा दिया हमने, 2 क्लोरो बेंजीन इसका नाम कर दिया। और एग्जाम्पल देखते हैं जरा। बाकी हाँ, अगर किसी को लगता है कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, आप लोग को वो क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, तो कुछ नहीं करना है आपको, मेरी चैनल पे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक लगी है, लिंक लिखी हुई है, अगर आराम से जाके इंस्टाग्राम पे आप लोग डीएम करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, किसी अगले लेक्चर में आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो। ओके ओके, देखो इसके लिए अब देखो इसमें इधर भी बेंजीन, दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या है, समान है, तो जब बेंजीन के साथ में ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो इसका साइड चेन पे नाम लिखते हैं फिनॉक्सी, एक तरफ ये कर दे रहे, एक तरफ बेंजीन, तो इसका नाम हो जाता है फिनॉक्सी, और एक को बेंजीन, तो इसका हो जाएगा फिनॉक्सी बेंजीन इसका नाम हो जाएगा, इसको क्या कह देंगे हम लोग, फिनॉक्सी बेंजीन कह देते हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, इसकी क्या करते हैं, एली, ये कौन से हमारे एलिफेटिक ईथर है ना, तो
एलिफेटिक मतलब सॉरी एरोमेटिक ईथर। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग एरोमेटिक ईथर की नेमिंग कर लेंगे। हमें करना कुछ नहीं, हमारा रूल सेम है, कुछ नहीं बदलना है। रूल क्या कहता है हमारा, रूल कहता है कम कार्बन वाले को साथ ऑक्सीजन जोड़ दो, उसका नाम पहले लिख दो। बड़े कार्बन वाले के साथ देख लो अगर कोई साइड चेन लगी हो तो साइड चेन का नाम पहले लिख दो और फिर उसके बाद में जो भी साइड चेन जितने भी कार्बन की है 2, 4, 6, 10, 20 जितने कार्बन का उसका नाम क्या कर दो, लास्ट में लिख दो विद एल्केन। बस यही क्या होती हमारी एरोमेटिक ईथर की क्या होती हमारी आईयूपीएसी नेमिंग कर दी। ओके हाँ, अगर अभी भी कोई डाउट आता है तो आप लोग डीएम कर सकते हैं क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे। ओके और बाकी इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो भी कर सकते हैं। ओके तो अब ये थी हमारी आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ईथर। क्लासिफिकेशन पढ़ चुके थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर की बात करते हैं तो वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो बात कर रहा था हम लोगों ने सिमेट्रिकल ईथर और एक पढ़ा था अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर में क्या बोला था मैंने, सिमेट्रिकल ईथर वो कहलाते हैं जिसमें कार्बन की संख्या दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या हो, समान हो। जैसे कि ये आप पूरे में बता देता हूँ पर है ये, इसमें देखो एक कार्बन इधर है एक कार्बन इधर है, जैसे ए देखो इधर भी दो कार्बन इधर भी दो कार्बन, ऑक्सीजन की दोनों तरफ अगर कार्बन की संख्या समान है तो उसे कहते हैं हम लोग सिमेट्रिकल ईथर। और अगर ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन के बगल में मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या हो, समान ना हो, तो क्या कहलाता है ये, अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाता है। ठीक है ये भी क्या होगा तुम्हारा, अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा। इधर एक कार्बन इधर छह कार्बन, नाइंसाफी कर रहा है तो उसके साथ है नाइंसाफी कर रहा क्या, गद्दारी कर रहे है तो ये क्या कर रहा है, इधर एक कार्बन इधर छह कार्बन ये तो उसके साथ गद्दारी हो गई, तो क्या कहलाएंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाएंगे। अगर बराबर बराबर में बट गया भाग तो सिमेट्रिकल समान, ठीक है सममित ईथर। अगर बराबर बराबर भाग में नहीं बटा है तो असममित ईथर यानी कि अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाते हैं। ठीक ओके तो अब हम लोग क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर यानी कि ईथर के बनाने की विधि। ठीक है यानी ईथर की बनाने की विधियाँ, ठीक है जिसमें भी हम लोग सबसे पहले अब इसके अंदर जो रिएक्शन पढ़ने हैं हमने वो सारी पढ़ चुके हैं। अगर कोई रिएक्शन में डाउट होता है तो मैं उनके दोनों के शॉर्ट क्या कर दूंगा, तुमको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। दोनों को शॉर्ट मैंने ट्रिक से बताया हुआ है, अगर कहीं दिक्कत लग रही कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी कर दूंगा। ठीक है तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो उनकी शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है तो सबसे पहले हमारी डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन यानी कि निर्जलीकरण, निर्जलीकरण क्या कहते हैं, निर्जलीकरण द्वारा। ठीक है अब इसमें देखो क्या होता है, एक्चुअली हम लोगों ने पढ़ी थी क्या पढ़ी थी, एल्कोहल CH3CH2OH। अगर एल्कोहल का हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं ओके तो क्या है, अगर हम लोग क्या करते हैं एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं, लेकिन इसमें दो कंडीशन पढ़ी थी हम लोगों ने और कंडीशन क्या थी, पहली थी हमारी कंसंट्रेशन H2SO4, लेकिन इसमें टेम्परेचर था 170 डिग्री सेल्सियस। और अगर कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ ही लेते हैं लेकिन टेम्परेचर ले ले 140 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में भी लिख सकते हैं, केल्विन में कितना हो जाएगा ये तुम्हारा 140 में 273 जोड़ दो 413 ये कितना हो जाएगा 443 केल्विन, तो केल्विन में भी लिखा हो सकता है, केल्विन में भी घबराना नहीं है कि सबने तो बताया 413 केल्विन देकर रखा है, कन्फ्यूज मत होना है, क्या करें 273 ऐड कर देते तो वो 413 लिखा हुआ था। ठीक है और कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों ही एक ही चीज़ है। ठीक है ओके तो होता क्या था, जब कंसेप्ट हम लोग क्या करते थे 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते थे तो क्या बनती थी हमारी एल्केन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्यों बनती थी, बताया था ना ये, इसमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही होती है ना, एक्चुअली यहाँ से OH यहाँ से निकल जाता तो एल्किन का फॉर्मेशन हो जाता, प्लस डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब जल का निकलना, निर्जलीकरण मतलब निर्जल यानी कि जल का निकल गया है ना, तो निर्जलीकरण तो जल तो निकलना तय है कि नहीं है, तो जल तो निकलेगा ही निकलेगा। फिर दूसरी भी पढ़ी थी हम लोगों ने क्या, 140 डिग्री सेल्सियस पे, अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कौन सी रिएक्शन हो रही थी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही थी, और यहाँ पर क्या हो रही थी, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही थी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही थी, किस टाइप की रिएक्शन हो रही थी इस कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे।
ओके चलो, तो इसका आंसर इसमें क्या बनता था प्रोडक्ट, इसमें क्या करते थे हम लोग दो मोल ले लेते, और दो मोल लेने के बाद क्या बनता था हमारा CH3 CH2 OCH2 CH3। यही तो ईथर है हमारा, यही तो क्या हमारा ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो क्या करते हैं, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ 140 केल्विन पर तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। इसी को समझो, मैं दोबारा से फिर से दिखा रहा हूँ कैसे हुआ था। मैंने क्या करते थे, 2 मोल ऑफ एल्कोहल यानी कि 2 मोल एल्कोहल के हम लोग लेते हैं, लिखते हैं कैसे CH3CH2OH। ठीक, ये पहला है। एक और लिख लेते हैं इसी के साथ में, लेकिन अब इसको उल्टा पलट करके लिखते हैं। क्या लिखेंगे, HOCH2 और CH3। इसके रिएक्शन जैसे हम लोग क्या कराते हैं, कंसंट्रेशन H2SO4 एक के साथ में 140 यानी 413 केल्विन पर, मतलब कितना 140 डिग्री सेल्सियस और फिर या फिर 413 केल्विन पर, तो क्या होगा, वाटर निकलेगा। निकाल दो जल को, देखो यहाँ से H प्लस गया होगा, यहाँ से OH माइनस, आपस में मिलके बन गया वाटर, तो वाटर निकल जाएगा। बचा क्या, देखो CH3 CH2 OCH2 CH3, जोड़ के लिख दो सबको एक साथ, तो OCH3 यहाँ पे क्या CH3 CH2, फिर देखो ये O फिर CH2 CH3, यही तो ईथर होता, R O R, यही तो क्या बन गया हमारा ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। नाम क्या है इसका, देखो दो एथिल ग्रुप है ना, तो इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है डाई एथिल ईथर। क्या नाम है कॉमन नेम इसका, डाई एथिल ईथर। और अगर इसकी IUPAC नेम की बात करते तो एथॉक्सी एथिन, क्या नाम हो जाएगा इसका, एथॉक्सी क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथिन, इसका क्या हो जाएगा हमारा कॉमन नेम हो जाएगा, सॉरी IUPAC नेम हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होती है इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिहाइड्रेशन रिएक्शन यानी कि निर्जलीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और निर्जली अभिक्रिया के द्वारा, निर्जलीकरण अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है, ईथर का निर्माण हो जाता है जब हम एल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 413 केल्विन पे क्या करते हैं, उसको हम लोग गर्म करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है हमारा, निर्जलीकरण अभिक्रिया द्वारा ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ये भी पढ़े थे ना एल्केल हैलाइड में, तो देखो एक्चुअली वही चीज़ मैंने बताया था कि जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ेंगे उसकी कुछ रिएक्शन इसमें पढ़ेंगे। अब क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन जो चैप्टर है हमारा एल्केल कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें क्या एल्कोहल की कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे और कुछ रिएक्शन एल्केल हैलाइड की पढ़ेंगे, दोनों की रिएक्शन वहाँ पर पढ़ेंगे। इसलिए क्या होता है, जो जब ऑर्गेनिक पढ़ते हैं ना तो ऑर्गेनिक क्रम बाई क्रम पढ़ते हैं, और अगर क्रम बाई क्रम पढ़ोगे तो कभी भी ऑर्गेनिक में डाउट नहीं आएगा। हाँ, अगर तुमने पता क्या कर, बीच में छोड़ दिया, तुमने एकदम से एल्कोहल पढ़ने लगे डायरेक्टली ईथर पढ़ा नहीं है, और तुम डायरेक्टली किस में आ गए, एल्डिहाइड पढ़ा, कीटोन पढ़ने लगे, कीटोन के बाद में अमीन पढ़ने लगे, फिर तो ऐसे में क्या हो जाता, तुम्हारा एक जो लेवल होता ना वो बिगड़ता, और लेवल बिगड़ने की वजह से क्या होती है तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। कन्फ्यूजन एक्चुअली इसमें एक्सेप्शन नहीं होते हैं, इसमें यही प्लस पॉइंट इसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी एक्सेप्शन नहीं होता है, इसको बस ट्रिक रिएक्शन किस तरीके से मैकेनिज्म काम करती है, किस बिहाव पे काम करती है, बस वही चीज़ याद रखा जाता है। इसीलिए क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इजी होती है। हाँ, बाकी को नहीं लगती वो बात लगे, लेकिन अगर तुम लोग भी पढ़ोगे तो तुम्हें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इजी लगेगी, आई प्रोमिस दैट। ओके तो देखो विलियमसन रिएक्शन की हम बात कर रहे थे। विलियमसन रिएक्शन में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, हमने पढ़ा था जब भी क्या होती है सोडियम एल्कोक्साइड यानी कि एल्केल हैलाइड यानी कि RX की रिएक्शन अगर हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं, किसके साथ में, सोडियम एल्कोक्साइड मतलब OR के साथ कराते हैं, तो एक्चुअली क्या होता था, वही वाला पहले ग्रुप के एलिमेंट सेकंड ग्रुप के एलिमेंट के साथ निकलेंगे, यहाँ से R यहाँ से OR, तो ROR मतलब ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। यही पढ़े थे ना सोडियम एल्कोक्साइड में, तो ईथर का फॉर्मेशन इस प्रकार से विलियमसन रिएक्शन के द्वारा हो जाता है। लेकिन थोड़ा बात को समझते हैं, ट्रिक भी बताई थी ना मैंने, नहीं बताई तो बुर्ज रिएक्शन इसकी रिएक्शन शॉर्ट ट्रिक में मतलब शॉर्ट वीडियो में डाला, बाकी मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह डाल दूंगा इसका। ठीक है, आप लोग वहां से भी जाकर शॉर्ट वीडियो इसका लिंक शॉर्ट वीडियो के द्वारा आप उसकी ट्रिक सीख सकते हैं। ओके चलो समझते जा रहे इस बार फिर से। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर ईथर का निर्माण होता है, ये हमें लिख देना है। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, क्या CH3CH2Cl प्लस NaOCH3, मान लो ये हमारा रिएक्टेंट है,
जैसे इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे होंगे, इसमें कोई स्पेसिफिक रीजन की बात नहीं करते हैं, अगर रीजन भी अगर मान लो लेना चाहें तो नहीं लेते, कोई जरूरत नहीं होती वैसे, ठीक है चलो। तो ये एनी के साथ में सी एल निकल जाएगा, बाकी जुड़ जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा इसमें हमारा CH3 CH2 OCH3। ये बना, अब देखो यहाँ पे क्या है, ओ सी एच थ्री है ना, तो ये कार्बन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। इधर दो कार्बन तो एथिन, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी एथिन हो जाएगा। अब बात ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें थोड़ी एक बात और समझते हैं, एक बात और समझते हैं, क्या ये रिएक्शन देख लेगा, देखो जरा यहाँ पे मैंने देखो क्या लेके रखा, 3 डिग्री एल्कोक्साइड लेके रखा ना, देखो ये जिस कार्बन से, क्योंकि ओ एन ए जिस कार्बन से लगा, देखो 1 2 3 कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ ना, तो क्या कहलाएगा हमारा, 3 डिग्री एल्कोक्साइड कहलाएगा। और उसकी रिएक्शन कराई थी मैंने एल्केल हैलाइड से, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, एक NaCl निकल जाएगा और ये क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा, तो देखो प्रोडक्ट क्या बन गया तुम्हारा, CH3 CCH3 CH3, और यहाँ पे क्या है, ओ के साथ में CH3 OCH3। नाम क्या इसका, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो नाम देखो, इसका नाम देखो, गलत मत कर लेना, नंबरिंग करोगे 1 2 3, 2 पे लगा मेथॉक्सी और 2 पे लगा मेथिल, तो क्या बोलेंगे, 2 मेथॉक्सी और 2 पे ही मेथिल लगा ना, तो पहले मेथॉक्सी को तो नाम पहले ही लिखना है, फिर मेथिल एथिल की बात करेंगे हम लोग, तो 2 मेथिल और फिर 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपीन, तो क्या हो जाएगा, 2 मेथॉक्सी 2 मेथाइल प्रोपेन, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ये एक्चुअली यहाँ पे देखो क्या होता है, ये एक्चुअली की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये 3 डिग्री एल्कोक्साइड है और 3 डिग्री एल्कोक्साइड के साथ में जब हम लोगों ने करा एल्केल हैलाइड की रिएक्शन, तो यहाँ पे एक्चुअली SN2 मैकेनिज्म काम करी, और SN2 मैकेनिज्म काम करी, तो प्रोडक्ट हमारा क्या लिखा हुआ है, गलत, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या होता है, पीछे से अटैक होता है, तो एक्चुअली प्रोडक्ट पता हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, देखो जरा ये ना बना के प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, ये बनेगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारा O और CH3, और यहाँ पर लग जाएगा CH3, नाम यही रहना, नाम नहीं बदलेगा, बस उसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना वो बदल जाएगा, तो एक्चुअली बना हमारा ईथर का ही फॉर्मेशन हो गया, और ये जो ईथर बना है ये हमारा 3 डिग्री ईथर का फॉर्मेशन हो गया है। ये तो थी हमारी विलियमसन रिएक्शन की एक रिएक्शन थी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें होगा खेला, अब क्या होगा इसमें खेला, क्या खेला होगा, देखो क्या खेला मैं कहता हूँ, यहाँ पे था 3 डिग्री एल्कोक्साइड, ये तक 3 डिग्री, अब लेते 3 डिग्री एल्केल हैलाइड, तो CH3 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 और Cl plus NaOCH3, अब ये क्या रिएक्शन पॉसिबल है, ये क्या ईथर का फॉर्मेशन करेगा, तो देखो क्या करते हैं हम लोग, इस Na को Cl के साथ निकाला, क्या प्रोडक्ट, ये सीएल लेकर OCH3 बनना चाहिए था, बनना ही चाहिए था बनना, लेकिन एक्चुअली ये प्रोडक्ट गलत होता है, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री एल्केल हैलाइड तो ठीक है कोई बात नहीं, एक्चुअली जो ये सोडियम एल्कोक्साइड लिखा हुआ ना, सोडियम मेथॉक्साइड लिखा हुआ ना, एक्चुअली ये केवल न्यूक्लियोफाइल रीजन नहीं करता, ये हाँ मानते हैं इस बात को सही है कि अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, बट स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और ये यहाँ पे यहीं पे क्या करता है, इस जब 3 डिग्री एल्केल हैलाइड आता है तो यहाँ पे कहता है न्यूक्लियोफाइल तुम नीचे बैठो, बेस की ताकत ज़्यादा है, आपकी बार बेस क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, और बेस जब इफेक्ट करता है तो उस कंडीशन में ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, पेपर में बना के आओगे गलत हो जाएगा। तो 3 डिग्री एल्केल हैलाइड की रिएक्शन अगर सोडियम एल्कोक्साइड के साथ होगी तो ईथर नहीं बनेगा, वही ईथर बनेगा जो या तो 1 डिग्री एल्केल हैलाइड होगा या फिर 1 डिग्री एल्केल हैलाइड ही होगा, ठीक है। तो ईथर वही बनेगा जो 1 डिग्री एल्केल हैलाइड होगा, तो अगर 3 डिग्री एल्केल हैलाइड आ गया तो SN2 मैकेनिज्म के साथ में यहाँ पर जो सोडियम एल्कोक्साइड है ये काम करेगा, किसका, कहता है किसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाहर में जाओ, हम हैं स्ट्रांग बेस, और अगर हम स्ट्रांग बेस हैं तो हम यहाँ पे करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये कहता भाई मैं किसको एलिमिनेट करूँ, मुझे तो NaCl तो बनाना ही है,
ये कह रहा है इससे, देखो भाई मेरी तो पहली, मैं पहले ही कह चुका था पहले ग्रुप का सातवें ग्रुप का मैं तो निकलूंगा ही निकलूंगा, बाकी तो मैं जो करना है वो करते रहना। कहता कोई बात नहीं तुम निकल जाओ, मैं तो एलिमिनेशन करके ही रहूँगा। कहता ठीक है करते रहना, मैं अपने जाता हूँ, मेरा क्या जा रहा है। चलो तो एन ए सी एल तो निकल गया मान लिया, अब एक्चुअली क्या होगा ये बता, सी एच थ्री ओ, ओ पे क्या है माइनस होगा ना, एन ए पे तो मेटल है तो प्लस रहेगा ना तो माइनस। अब ये ओ माइनस का था भाई, एक काम करो ना यहाँ से कहीं से एक हाइड्रोजन दे दो, वैसे भी तुम सब बीटी कार्बन तो हो, अल्फा फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा अल्फा ये सब बीटी कार्बन तो है। कहता यार बीटा कार्बन बैठे हो, बीटा एलिमिनेशन कर लो ना, कौन सी दिक्कत हो रही, एक हाइड्रोजन हमें दे दो। कहता है वैसे भी क्लोरीन चला गया है, तुम ईथर बना नहीं रहे हो, तुम हाइड्रोजन ही ले जाओ। कहता तुम हाइड्रोजन ही लेके चले जाओ। कहता दे दो। कहता कहीं से उठा लो, हम सबके पास एक ही है, अगर कहीं ज़्यादा होते तो फिर कम वाले को ले लेते। कहता कहीं से ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा मान लो इधर से ले जाते, तो इधर क्या लिख दे रहा हूँ सी एच टू और एच, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो एच पे प्लस आ जाएगा। अब ये एच प्लस पे आएगा तो ये कहाँ जाएगा, इस माइनस के पास जाएगा, जाएगा माइनस के पास, तो देखो क्या बन लगा ऊपर में। अब यहाँ क्या बचा, देखो इस पर प्लस आ गया होगा और क्लोरीन निकला होगा माइनस, एक्चुअली किलो निकला होगा माइनस, इस पर प्लस, ये एच प्लस निकला तो इस पर माइनस, ये प्लस माइनस अपन बना लेंगे बॉन्ड, तो देखो क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच सी पे क्या है तुम्हारा सी एच थ्री, और ऊपर भी क्या एक सी एच टू बचा है, और ये था प्लस माइनस तो डबल बॉन्ड, और बचा क्या देखो सी एच थ्री ओ एच, और क्या निकला था ये NaCl, तो पहली भाग गए थे, कह रहा हम तो जा रहे, तुम लोग जो कुछ करना करते रहे ना, हम पहले आराम से निकल रहे हैं। ठीक है तो क्या बना NaCl, अच्छा ये बन क्या गया देखो फिर से एल्किन बन गया, यानी कि जहाँ बीटा एलिमिनेशन हो रही वहाँ पे एल्किन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको भूलना नहीं है। तो क्या है नाम इसका, 1,2,3,2-methylpropene। तो 2-methylpropene का फॉर्मेशन हो गया। तो याद रखना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नीट जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन नीट जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या होता है वही जो मैंने यहाँ वाले बताया था ना यही आंसर बना के आते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। ये होता है इसमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन लगती है, उसमें पूछ लेगा ये रिएक्शन देखिए नीट में ये नहीं देगा, तो पता क्या पूछ लेगा ये यहाँ पर कन्वर्जन में बनाता है नीट में, इसी चीज़ को क्या करें कन्वर्जन बनाएगा, ये बना रहा होगा इधर तीन चार स्टेप का दो स्टेप का कर देगा यहाँ पर दे देगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, गलत हो जाएगा प्रोडक्ट। तो इसको याद रखना जब भी 3 डिग्री एल्केल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में होगी तो क्या बनेगा ये एल्किन का फॉर्मेशन, क्यों, क्योंकि सोडियम एथॉक्साइड जो होता है ये न्यूक्लियोफिल फाइल तो होता ही अच्छा, लेकिन साथ में उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो कहता है जैसे 3 डिग्री एल्केल हैलाइड होता तो NaCl के साथ में यहाँ जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसकी कंडीशन में ये यहाँ पे करता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और बना लेता है एल्किन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या होता है इस प्रकार से क्या होती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या हो गया तुम्हारे हेलो एल्किन सॉरी ईथर का हो गया है, एल्किन की बात करूँ। एक और देख लेते हैं जरा फिनॉल वाला भी देख लेते हैं, मतलब एरोमेटिक ईथर कैसे बनेगा हमारा। तो क्या करना है हमें क्या करना है, वही फिनॉल लेते हैं। अच्छा इसमें भी दो चीजें आएंगी, इसमें भी दो चीजें आएंगी, क्या आएंगी कि यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दें और यहाँ पे क्या कर दें एन ए ओ और आर कर दें तो क्या इथर बनेगा, तो नहीं बनेगा, इस चीज़ को याद रखना। यहाँ पे भी क्या बनेगा एल्किन का फॉर्मेशन वगैरह कटा होगा, तो पहले से नहीं बनेगा, तो इस टाइप के नहीं। तो यहाँ जब बनाना होगा क्या होगा सोडियम फिनॉक्साइड, तो क्या होता है फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन करा देते हैं एन ए ओ एच से, क्या बनता था सोडियम फिनॉक्साइड। देखो नाम में कंपाउंड का नाम चाहे हिंदी में बोलूं चाहे इंग्लिश में, मैं अपना नाम हिंदी में बोलूं इंग्लिश में नाम सेम ही रहेगा, मेरा नाम हृदेश है अगर तो मैं हृदेश इंग्लिश में भी मेरा हृदेश ही रहेगा, इंग्लिश में भी मेरा हृदेश ही रहेगा, चाहे हिंदी में बोले चाहे इंग्लिश में, उसी प्रकार इन कंपाउंड के भी नाम चाहे हिंदी में बोलूं चाहे इंग्लिश में बोलूंगा सेम ही होता है, कोई नाम हिंदी इंग्लिश के बर्ड आने की वजह से बदल नहीं जाता, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। फिर अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं मेथिल क्लोराइड के साथ में, ठीक है तो क्या होगा ये NaCl तो निकलना फिक्स है, ये सी एस थ्री का ऊपर साथ जुड़ जाएगा,
तो क्या बन गया हमारा, मेथॉक्सी बेंजीन। तो हमें अगर एरोमेटिक ईथर भी बनाना है ना, तो हमें सोडियम सोडियम फिनोक्साइड लेना है ना कि क्लोरोबेंजीन लेना है, इस चीज़ को याद रखना। यहाँ पे भी क्या लेंगे हम लोग, सोडियम फिनोक्साइड को लेंगे यहाँ पे, ना कि क्लोरोबेंजीन लेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारे एलिफेटिक और एरोमेटिक का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, हाँ अगर कोई डाउट आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें कमेंट सेक्शन में आप लोग करके बता सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, अगर हाँ कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पर आप लोग DM कर सकते हैं, लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखी है, वहाँ पर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।